भाई नरेश राज जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाएं। रस्सी जली लेकिन बल बरकरार है। यदि कुछ उदाय तो अपना सामान हम ही देवा दे, हम और सक्रियता बढ़ा दे। फर्श पर लेकिन गुटबाजी बेशुमार है। ये गुरु कांग्रेस है, गजब सिद्धांत है बाबू। सत्ता हाथ से खिसक गई लेकिन गुटबाजी के सम्मान में कमी ना हुई। भाजपा और मजबूत होती रही लेकिन गुटबाजी के सम्मान में कोई कमी ना हुई। खुद नेता भी सड़क पर आ गए लेकिन गुटबाजी में कोई कमी नहीं। सुनिए नेताजी के बोल, पार्टी गई तेल लेने, सक्रिय होने की शर्त तेल मारी, पहले पद तो दे दो। भाई नरेश राज जी कहा थे कि हम सक्रियता बढ़ाए, अब ऐसे ज्यादा सक्रिय का हो जाए। यदि कुछ उदाय तो अपना सामान हम ही देवा दे, हम और सक्रियता बढ़ा दे। अपना के अध्यक्ष जी के पास ज्यादा जोर ही, उनसे कह दे कि भाई हम एक मौका देते, दौड़े हो गए हम दौड़ो। नहीं तो टूटू स्टाइल में हम जितना कर रहे हैं उतना कर गजब खेल है साहब। अब देखिए ना, कमल बाबू की अपनी कहानी है तो दिग्गी राजा की अलग ही पक्ति खिचड़ी। अरुण बाबू की कूद भी कम नहीं तो अजय बाबू को रोना रोने से फुर्सत नहीं। पचौरी पूरी तरह से पच चुके हैं तो भूरिया अपनी भूर भुलैया में मस्त। ये सभी नेता अपनी सियासी जमीन लगभग खो चुके हैं या फिर खो रहे हैं, लेकिन साहब एकड़ी में कोई कमी नहीं। आलाकमान मध्य प्रदेश कांग्रेस को संभाल सकता था लेकिन वहां का रायता खुद वो ही नहीं समेट पा रहे। हालात हाफे हुए हैं लेकिन दावा 2023 में सरकार बनाने का। खैर ठीक है बाबू, उत्साह और आशा जिंदा रहनी ही चाहिए, लेकिन असलियत की जमीन पर खड़ा होकर ठोस रणनीति के साथ। वरना यूपी में तो पंगत हो गई, बस अगले कुछ सालों में मध्य प्रदेश कतार में है गुरु। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।